वाह ओ भाई साहब, ये कितने छोटे और क्यूट है। लाइक तुम खाते ही रहो, इतने छोटे हैं। इसमें हर एक जगह पे अच्छे से गार्लिक स्प्रेड किया हुआ है। हाय एवरीवन, दिस इज शिका हियर फ्रॉम हैप्पी इन बाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं 24 आवर्स फ्रोजन फूड चैलेंज। गाइस, फ्रोजन फूड की शॉपिंग करने निकले हैं। आई एम इन यूएस, द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे हर स्टोर में फ्रोजन फूड मिल जाता है। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही वैरायटी का फ्रोजन फूड मिलता है। So this is glimpse of few frozen food items which I got from Indian store. So for breakfast I am going to have onion rava masala dosa which is of Deep company. By the way, I am in US, that's the reason it's mentioned in dollars. Also the direction of how to make it and even the chutney, how to make it, it's mentioned. Some nutrition facts and ingredients, like what all is there inside this box. So let's open this box. I am so bad at opening this box. Oh wow, packing achhi lag rahi hai. Aur chutney bhi diya hai do. So oven mein garam karne ke baad kuch aisa dikhta hai. लाइक चटनी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। इसको खाने के बाद तो लग ही नहीं रहा है कि ये रेडी टू ईट है, लाइक तुम फ्रोजन खा रहे हो। टेस्ट इज अमेजिंग, चटनी का स्वाद भी बहुत ही अमेजिंग है। कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये बना हुआ नहीं था पहले से, ये फ्रोजन है। ऐसा टेस्ट आ रहा है कि अभी ही बनाया हो। 2 hours later. So guys, for lunch हम खाने वाले हैं कढ़ाई पनीर, easy to make, 1 minute खाना from हल्दीराम्स, और उसके साथ खाने वाले हैं गार्लिक नान। पीछे देखते क्या लिखा है। अरे फोकस हो। ओके सो ये दो जन को सर्व करते हैं। उसका हीटिंग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है फलाना ढिमकाना, लाइक उसका शेल्फ 1 साल का है, और न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिया हुआ है, और इंग्रेडिएंट्स भी लिखा है कि क्या क्या डाल के बनाया है। ये दीप का गार्लिक नान है, और इसमें दिया हुआ है प्रोसीजर लाइक कैसे बनाना है। ये ओवन का दिया हुआ है, बट हम गैस पे बनाएंगे इसको। अनदर बेस्ट पार्ट इज लाइक टप्पे को खोलना, उसको अनबॉक्स करना और देखना अंदर से कैसा अच्छा दिख रहा है। ये तो अच्छा दिख रहा है। ये सब जो फ्रोजन फूड है ना, उसका एक बेस्ट पार्ट है वो लोग का पैकिंग बहुत अच्छा रहता है। ऑल्सो गाइस, ये गार्लिक नान 3 आते एक के अंदर। वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। इसका एक नान ऐसा लगता है, इसमें अच्छे से गार्लिक स्प्रेड किया हुआ हर जगह पे। देखते हैं गरम करके कैसा टेस्ट करता है। ये काफी अच्छे अच्छे चंक्स डाले गार्लिक के इसके अंदर। ये बिना गरम किए हुए भी इतनी अच्छी दिख रही है। तो गरम करने के बाद देखते ये कैसा टर्न आउट होता है। और पीछे से देख, अच्छा खासा तंदूर में बनाया ऐसा दिख ही रहा है। ओ हाँ, इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये क्ले अवन में बेक किया हुआ है।
सो गाइस, खाना आ गया है एंड इट्स टाइम टू टेस्ट एंड गिव यू फाइनल रिजल्ट फॉर दिस. इसको टेस्ट करने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फ्रोजन है और इसकी शेल्फ लाइफ एक साल की होगी. ये ऐसा लग रहा है कि ये अब भी किसी रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही यम है. और इसमें पनीर के चंक्स बहुत ही बड़े बड़े हैं. टेस्ट भी अच्छा है, इसका फ्लेवर एकदम एनहेंस होके आ रहा है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई वुड रेट दिस होल कॉम्बो, आई वुड रेट दिस 9 out of 10. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. सो गाइज, फॉर द इवनिंग स्नैक्स आई एम गोइंग टू हैव दिस रैप. After hitting an oven, this is how it looks. It's time to taste. Okay, so I'm trying to understand what all is there inside this wrap as a filling. So iske andar do type ke capsicum hai, green or red, and some onions and of course paneer. So the filling is very less. So it's not that bad as well. The taste was good. अरे कहना क्या चाहते हो? I would rate this 8 out of 10. So guys, for dinner I'm going to have this cocktail potato mini samosa. In this packet there is total 50 samosa. Let's open it. ओ भाई साहब, ये कितने छोटे और क्यूट है. ये कितने छोटे और क्यूट है. लाइक तुम 10-15 भी खा लो ना, फिर भी पेट नहीं भरेगा, इतने छोटे है. सो गाइस, माय समोसा इज हियर. दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स सो टाइनी इन साइज. लेट्स ईट. It's very good in taste. I really liked it. I would highly recommend this and I would rate this 10 out of 10. Also guys, मैं ये एकदम मजे से खाती हूँ और फिर मिलती हूँ डेजर्ट के लिए. So for dessert we are going to have मूंग दाल हलवा. This is from Nanak. यार फोटो में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ये 1 kg का है. सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एंटायर 1 kg. सो पीछे इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिया हुआ है, कुछ एलर्जी है तो वो भी दिया हुआ है इधर, और कैसे करना है वो सब दिया हुआ है. और गाइस, इसका शेल्फ 1 साल का है तो 1 साल तक तुम रख सकते हो इसको. बॉक्स खोलने के बाद अंदर का टप्पा कुछ ऐसा दिखता है. जब इसको बाउल में निकाला तो ये लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है. ओवन में गर्म करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है. अच्छा ब्राउन कलर आ गया है और इसका घी भी दिख रहा है, लाइक ये घी में बना है. इट्स टाइम टू टेस्ट. हर एक बाइट में ड्राई फ्रूट्स थे. ऐसा नहीं था कि एक स्पून खाया उसमें ही था, लाइक हर एक स्पून में ड्राई फ्रूट था. जैसे पिक्चर में दिखाया था वैसे ही ड्राई फ्रूट्स है इसके अंदर. हर एक निवाले में ड्राई फ्रूट का पीस आता है. टेस्ट में तो बहुत अच्छा है. सो आई वुड रेट दिस 10 out of 10. इट्स वेरी नाइस इन टेस्ट. आई रियली लव्ड इट. That's it for today guys. If you really like this video, take a moment to like, share and subscribe to my YouTube channel. See you guys in my next video. Till then, bye.